तो भाइयों आजकल हर एक बच्चा बचपन से ही चोर बनना चाहता है, और अगर तुम भी चोर बनना चाहते हो मतलब एकदम प्रोफेशनल वाले चोर, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, क्योंकि आज जिस गेम को मैं खेलने वाला हूँ इस गेम में हम बनेंगे चोर, और हमारे पीछे चोरी करते हुए हम पकड़े जाते हैं तो पुलिस भी आएगी, और अगर पुलिस आती है और अगर पुलिस भी हमें पकड़ लेती है तब हम जेल में भी जाएंगे। और इस गेम का नाम है थीप सिमुलेटर 2, जिसे आज हम लोग खेलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या इस गेम में मैं एक प्रोफेशनल चोर बन सकता हूँ। तो आ जाओ गेम को स्टार्ट करते हैं। चोरी करना पाप नहीं है, चोरी करते हुए ना पकड़े जाना पाप है। 2 days पहले, 2 दिन पहले क्या हुआ था, प्राइवेट नंबर से कॉल आया मेरे को, उठाने दो। भाई वो आ रहे है, बट कौन आ रहे है? अच्छा ये कंप्यूटर चेक करना है क्या? अच्छा जी, अच्छा पुलिस वाले आ गए क्या? अभी मेरे को चोरी करने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ, क्या चोरी करूँ बताओ? सफरजन तो खा नहीं सकते हैं। दरवाजा ओपन होगा कि? अरे पुलिस वाले आ चुके हैं भाई फटाफट। अरे घुस गए वो घर के अंदर, अब मैं करूँ तो करूँ क्या भैया? ये खिड़की के अंदर से जा सकता हूँ क्या? निकल लेते हैं आराम से। ओके ये तीनों के तीनों पुलिस वाले हैं क्या? इधर से मेरे को आगे जाना हो तो कैसे जाओगा? ये दरवाजा है ना? हाँ भाई मैं पकड़ा तो नहीं जाऊँगा। ये एरो तो इधर जाने के लिए बोल रहा है, क्राउच करके चलना है। अरे मैं क्राउच ही हूँ भाई, बस वो देख ना ले। नहीं 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 नहीं, देखा है नहीं देखा है। ये लोग भी चोरी करने के लिए आए ऐसा लग रहा है, पुलिस वाले तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहे हैं। अरे भाई इधर से हमें चोरी करनी है, क्या है ये? क्राउबार, ये चाबी है बैक गेट की और फेस लाइट है। फ्लैश लाइट भी ले लिया है, और वो लोग बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। लेफ्ट शिफ्ट टू रन। ओके ये दरवाज़ा ओपन करना है क्या? ये कर दिया ओपन। भाई चोरी मैंने कर ली है सक्सेसफुली। सामने डायमंड है, वहाँ पे जाना है क्या? हाँ अच्छा मेरी गाड़ी है ये। भाई पहला चोरी तो मतलब ऐसे चुटके बजाते हुए कर दिया। मेडिसिन स्टेट पे हमें जाना है, आई थिंक एसटी का मतलब स्टेट ही रहेगा, तो हम लोग अभी मेडिसिन स्टेट पे जाने वाले हैं। और जो अभी चीज़ें मैंने तुम्हें दिखाई मतलब अभी जो हमने देखा वो 2 दिन पहले हुआ था, मतलब अभी नहीं हुआ है। और हमने 2 दिन पहले एक डकैती करी थी जिससे हम लोगों ने 3-4 चीज़ें चुराई, पैसे के अलावा बाकी सब चुराया पता नहीं क्यों। तो हमें पैसे इतने नहीं मिले, बट चोरी तो हमने बढ़िया करी है। अब सुबह के बज चुके हैं 6 और प्राइवेट नंबर से वापस कॉल आया, क्या उठाऊँ या ना उठाऊँ? उठा लेते हैं। Alright, so you're in some deep shit. It took long enough. Okay. Look, you're my friend and all. I'll help you get out of this mess, but not for free. You have a whole criminal organization going after you. Let me think what can be done. Let's say you piss off a few people, break into a couple houses, and then you get my help. How's that? For starters, I'd go to 102 and steal some shit from there. It should be empty. Use your crowbar to get inside. तो अभी हमें प्राइवेट नंबर से कॉल आया था, और मे भी जो प्राइवेट नंबर वाला है वो हमारा दोस्त है, तो उसने कॉल करके बोला है कि 102 नंबर के घर पे जाके तुम्हें डकैती करनी है, चोरी करनी है। तो 102 नंबर का घर तो यही है, और ये गाड़ी भी यहाँ से जा रही है, तो इस घर में हमें चोरी करने के लिए जाना है। अब पता नहीं मैंने उससे लोन लिया है या कर्जा कितना लिया है, आई डोंट नो, बट वो हमें ऑर्डर दे रहा है कि भाई क्राउबार से वहाँ पर जाके दरवाज़ा तोड़ो और अंदर घुसो। ये कर दिया ओपन दरवाज़ा। अभी क्या करूँ, इधर है क्या कोई? भाई लफड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अभी मेरे को अंदर जाने दो, ये तो नहीं ना कोई? नहीं 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 कोई नहीं है। दरवाज़ा ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं आराम से। जूते हैं भाई, नाइकी बाइकी के हैं क्या? अच्छा ये रेडियो उठा लेते हैं, चीप रेडियो भाई। ये कपड़े नहीं चाहिए भाई, जीन्स वाले मेरे को कपड़े पसंद नहीं है, ये भी नहीं पसंद है, ये भी नहीं पसंद। अरे पैसे मिल गए, कुछ $30 के आसपास हमें मिला है, और उसके अलावा तो ये वाइन का एक बोतल उठा लेते हैं, फ्राइंग पैन और टी पॉट, चाय जो आती है उसको देने के लिए टी पॉट का आई थिंक यूज़ होता है, टी पॉट का, ची पॉट का नहीं। ये क्या क्या है भाई, इसमें क्या है? अरे स्मार्टफोन, अरे 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 तो काम की चीज़ है, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन भी काम का है, इसे भी उठा लेते हैं। और कोई चीज़ है क्या काम की? अच्छा इसे भी उठा लेते हैं, लेवल अप हमारा हो चुका है। फोन आया वापिस से। Time to sell this stuff so you can pay me, brother. Drive to Crazy Joe's pawn shop. He's my pal. It's in the same neighborhood. Number's 115. ये भी ले लेते हैं। तो अभी हमें कॉल आया है, और वो भाई साहब का कहना ऐसा है कि जो चीज़ें तुमने अभी उठाई है ना वो 115 नंबर के घर पे जाके बेच दो,
तो मतलब हम लोग अभी 101 नंबर पे थे, नहीं 102 नंबर पे थे, अभी हमें इसे 115 नंबर के घर पे जाना है, जहाँ पे हम लोग ने जो भी सामान चोरी किया है उसको हम लोग बेच सकते हैं, मतलब उसको बेचेंगे और उससे हमें मिलेंगे पैसे, और उस पैसे से हम लोग जो प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा है ना उसको भुगतान करेंगे। आई थिंक मेरे को लगता है हम लोगों ने बहुत तगड़ा लोन ले लिया है उस भाई साहब से, और वो अभी हमें मतलब गले पे आता है ना वो रखने वाला, नाइफ रखा है, छुरी रखा है, और बोल रहा है कि भाई पैसे वापस कर, और उसके लिए हमें वो चोरी करने पे भी मजबूर कर रहा है। ये तो गलत है भाई, ये कैरेक्टर के साथ इस गेम में बहुत गलत हो रहा है। बाय द वे, इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए वो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। ये रहा 115 नंबर का घर, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं भाई, पार्किंग कहाँ नहीं हो रहा इतना सही वाला, दरवाजा कर देते हैं बंद, अभी जाते हैं अंदर, जो भी सामान खरीदा वो बेच देते हैं। वो भाई ये तो तगड़ा कोई हैकर है भाई, ये लग रहा है कोई हैकर टाइप ही सामान लग रहा है तो देख के। सेल वोल भाई, ओ ओ ओ ओके ओके ओके, अरे रुक जा भाई, सभी का सभी सामान मैंने बेच दिया क्या ऐसे ही? प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा है, उठाने दो मेरे को जरा। See, that's how it goes. Keep the money. Okay. It'll be rent for your new hideout. I think something from 104. Hmm. And to break in there, we need a drone. समझ गया। The guy from 103 ordered a drone recently. समझ गया। Learn how to mark people. We have to find out when he goes to work. हमें एक नया स्किल सीखना पड़ेगा, मार्किंग स्किल, और उसके अलावा जिस भाई का हमें कॉल आया था प्राइवेट नंबर से, उसने बोला है कि जो तुम्हें पैसे मिले हैं उसे अपने पास ही रखो, मतलब जो हमारे पास $800 है उससे हम लोगों को रेंट देना पड़ेगा। आई थिंक वो प्राइवेट नंबर वाला हमको कोई नया हाइड आउट दिया है, मतलब छुपने के लिए जगह दी है, एक घर दिया है, हाइड आउट उसे ही बोलते हैं, और उसका हमें रेंट देने के लिए हमें ये पैसों का ज़रूरत पड़ने वाला है। और उसके अलावा 103 नंबर का घर बोला है, अभी हम लोगों ने 102 नंबर के घर में डकैती करी थी, अभी उसके पास में जो घर है वहाँ पे हमें चोरी करने के लिए जाना है, और चोरी करना है ड्रोन, क्योंकि 103 नंबर वाले जो घर है वहाँ पे उस घर वाले ने ड्रोन बाई किया है, मतलब नया ड्रोन खरीदा है, और वो ड्रोन जो है उसे हमें खरीदना है। तो ये बातचीत मेरी हुई है, और वो डकैती करने के लिए हमें जाना है 2:00 PM, मतलब कि गेम के मेरे ख्याल से 15:00, तो तुम्हें गेम का जो टाइम आता है वो दिखेगा नीचे की साइड पे, फेस्टिवल लिखा है ना उसके पास में, तो वो है टाइम वहाँ पे, जैसे ही 15:00 गए हम लोगों को वहाँ पे जाना है। मार्किंग स्किल सीखनी है पहले, तो एक मिनट रुको, मार्किंग स्किल कैसे सीखनी है? ये तो मैं भाई, इसमें तो ये लूट वगैरह है, क्राउ बार तो चलो ठीक ही है, स्किल अच्छा ये रहा स्किल, यहाँ पर हमें मार्किंग सीखना है, लोक पिकिंग है ना, तो ये रहा मार्किंग, तो मार्किंग स्किल हम लोग सीख चुके हैं, और अभी हम लोग मार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं। प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया, उठा लेते हैं। तो वहीं फ़ोन आया था कि 3:00 तक इसका रूटीन हमें देखना है कि ये करता क्या है भाई, ये है कहाँ पे भाई साहब? अच्छा है, मार्किंग स्किल से हमने इसको कर लिया मार्क, और प्लानिंग टूल से हमने कर दिया प्लानिंग मोड। ओके, तो 11:00 to 12:00 तक वहाँ पे चेयर पे बैठेगा, और उसके बाद 2:00 to 1:00 लिविंग रूम पे आके सोफे पे बैठेगा, और उसके बाद क्या करेगा हमें पूरा रूटीन फॉलो करना है 3:00 तक का, और 3:00 आगे क्या करना है वो हमें प्राइवेट नंबर से कॉल आएगा और वो बताएगा, बट तब तक के लिए हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसका रूटीन हमें जानना है कि क्या है, क्योंकि रूटीन पता करने के बाद ही हम लोग एक सक्सेसफुल चोरी कर सकते हैं, तो इस वजह से हमें रूटीन पहले देख लेना पड़ेगा भाई का। तो 2:00 to 3:00 ही वाले हैं, अभी मेरे को जाना है यहाँ पे, और उसके बाद हमें कॉल आने वाला है प्राइवेट नंबर से। आ चुका है कॉल। Have you got eyes on him? Yes. Mark his ass, so we know when he's out. भाई वो 5:00 घर से बाहर जाएगा। हाँ। Now do some planning. You'll see his next destinations. बिल्कुल। It's a very handy skill. You can't break in with the crowbar because the guy has a sound alarm. It'll be triggered. You gotta learn lock picking. समझ गया। I have a new hideout and check the computer. I have a task for you which will gain you some more experience. तो अभी जो प्राइवेट नंबर से कॉल आया था उसने बोला कि तुम जो यहाँ पे सीधा घर में घुस के चोरी नहीं कर सकते हो, मतलब तुम क्रू बार से दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसने साउंड अलार्म सिस्टम लगाया है, तो इससे होगा कि अगर मैंने दरवाज़ा तोड़ा तो अलार्म सिस्टम बजेगा और पुलिस को ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा और पुलिस वाले आके मेरे को पकड़ लेंगे, तो उस वजह से हमें एक नया स्किल सीखना पड़ेगा जो कि साइलेंट काम करके देगा हमको, मतलब उसको कानों कान पता भी नहीं लगेगा और हम लोग अंदर घर के अंदर घुस भी जाएंगे,
तो उसके लिए हमें एक और स्किल सीखनी पड़ेगी और इसलिए हम लोग जाएंगे अभी हमारे नए हाइड आउट पे। और हाइड आउट कहाँ पे है? ड्राई आउट ऑफ द एरिया। तो आउट ऑफ द एरिया तो यही है, ये लाइन के बाहर जाओगे उसके बाद हमको हाइड आउट दिखेगा। आ जाओ भाई। अब तक तो मेरे को पुलिस नहीं पकड़ पाई है और मेरे को लगता भी नहीं कि इस गेम में पुलिस मेरे को पकड़ सकती है, क्योंकि डॉन को पकड़ना और अज्जू भाई को पकड़ना दोनों सेम चीज़ है। तो अगर तुम डॉन को पकड़ लोगे तो तुम अज्जू भाई को पकड़ पाओगे, वरना मुश्किल है। प्राइवेट नंबर से कॉल आ चुका है और ये है मेरा हाइड आउट, मतलब हमारी छुपी जगह। Ain't this house nice? Just pay me the rent weekly and you're fine. When you get some cash, you can do repairs on house renovator. Go to the computer. भाई हमें वीकली show you around in your new world. समझा, हमको इस हाइड आउट के वीकली पैसे देने हैं, मतलब रेंट देना है प्राइवेट नंबर वाले को। और कंप्यूटर किधर है? अच्छा यहाँ पे डायमंड पे ही है, डायमंड पे ए रहा कंप्यूटर। भाई ये वाली जगह तो बहुत खतरनाक है। आई थिंक इसका रेंट कितना होगा? कैमरा लगा हुआ है क्या? हाँ भाई, हमारे हाइड आउट पे कैमरा भी लगा हुआ है और हमारा हाइड आउट कहाँ पे है वो हमें खुद को नहीं पता है। भाई ये तो बहुत बढ़िया इंटीरियर है। और चोर के लिए ये देखो पोस्टर भी बहुत तगड़े लगे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग चीज़ें बाई करके लगा सकते हैं। मे बी हाँ, अवेलेबल हाइस्ट, अवेलेबल हिस्ट भी कर सकते हैं, मतलब अगर कोई चोरी करने वाली जगह रहेगी तो हम वहाँ पे बैनर भी लगा सकते हैं। जगह बहुत तगड़ी है, बाथरूम भी बहुत तगड़ा है। इधर किसी ने विमल खा के थूका, आई थिंक अजय देवगन ने भी ये गेम खेला होगा। ये क्या है? हैक करने के लिए कंप्यूटर भी है। भाई साहब हम लोग हैकर भी बन सकते हैं। उसके अलावा ये है किचन और यहाँ पे साउंड वगैरह प्ले करना है तो प्ले कर सकते हैं। ये क्या है? आई डोंट नो, बट इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सामने आई थिंक अगर डब्बा वगैरह हम लेके आते हैं तो चेस खेलने के लिए चेस का भी सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और डब्बा लेके आए तो डब्बा रख दिया यहाँ पे और छुरी से काट देने का डब्बे को। और क्या भाई, जगह बहुत तगड़ी है, बहुत सही वाली जगह हमने खरीदी है। अभी इस कंप्यूटर को ओपन करते हैं और कंप्यूटर पे हमें क्या करना है? डार्क ब्राउजर, समझ गया भाई। हमको स्टील गियर पे जाना है, बट एक चीज बहुत तगड़ी है कि हम लोग चोर है तो हम लोग डार्क वेब का यूज करेंगे। तुमने डार्क वेब सुना होगा, तो हम लोग अभी डार्क वेब यूज कर रहे हैं इस गेम में। इसमें क्या बाय करूं मैं? बेटर टूल विल बी बिकम अवेलेबल टू यू। अच्छा, अगर मेरे को टूल अवेलेबल हो गए यहाँ पे जैसे जैसे मैं इस गेम को आगे खेलता जाऊंगा। समझा, रोप टिप्स से हम लोग किसी भी घर के ऊपर डकैती करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल ले सकते हैं। रोप टिप्स मतलब तुम लोगों ने सुना होगा, आइडिया होगा तुम्हें। हम लोग जब डार्क वेब पे जाते हैं तो हम लोगों को हायर कर सकते हैं किसी को मारना है तो, मतलब मेरे को तुम लोगों को मरवाना है। तुम लोग यार, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई एक सब्सक्राइबर को मेरे को उड़ा देना है तो मैं क्या करूंगा, डार्क वेब पे जाके उसको फोटो वगैरह दूंगा और डार्क वेब से कोई आके उसको मार देगा। ऐसा तुमने सुना होगा और मैंने भी सुना है, तो वही है कि डार्क वेब पे तुम्हें कोई भी घर को चोरी करना है, मतलब किसी भी घर पे चोरी करने के लिए जाना है तो यहाँ पे तुम्हें उसकी डिटेल मिल जाएगी उस घर की, मतलब सिक्योरिटी कैमरा को लेके और हर एक चीज़ कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें चोरी करने के लायक है इस टाइप की। देखो तुम लोग हाउस सिक्योरिटी और टेनेंट रूटीन, मतलब वहाँ पे जो रहने वाला है उसका रूटीन, कितने बजे वो घर पे रहता है, कितने बजे घर से बाहर जाता है, वो सब चीज़ें। और अभी हम लोगों को जो रूटीन के लिए लेना है सामान वो है ये वाले घर का 102 नंबर, जहाँ पे हम लोग पहले भी चोरी कर चुके हैं तो उसका जो डिटेल है वो फ्री में हमें मिल रहा है तो इसको बाई करना है। बाकी ओके, तो ये ब्लैक बे एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग सामान बेच सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ये भी सुना है कि डार्क वेब पे हम लोग ड्रग वगैरह भी बेच सकते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे थोड़ी बहुत जो चोरी करी हुई चीज़ें हैं उसे बेच सकते हैं। जैसे मैं एक शॉप पे बेच के आया तो वो शॉप से बेटर प्राइस भी कई बार इधर मिल जाती है, तो इधर भी हम लोग वो सब सामान को बेच सकते हैं। ये हेल नेबर है, स्टोलन रिवर्ड है और उसके अलावा डार्क बैंक है, तो तगड़ी चीज़ें हैं। देखते हैं आगे आगे क्या क्या हम लोग करते हैं, बट अभी मेरे को जाना है यूज़ कंप्यूटर। क्या करना था मेरे को? अच्छा मेरे को You can sell items you stole through there. They sometimes offer much better prices than the pawn shop. So keep an eye out. मैंने ये देख लिया। Like I said before, you need more experience before you can learn lockpick. अच्छा। Accept the job at 102. भाई मैं पहला और दूसरा दोनों जॉब को एक्सेप्ट किया है, अब क्या करूं? भाई प्राइवेट नंबर से कॉल भी आ चुका है। Things and complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills such as lockpicking, which is needed to break into 103. Get to 102 and complete the job you just accepted. Should be rather easy.
तो हमें 102 नंबर के घर पे जाना है जहाँ पे हमने पहले भी चोरी करी है, बट इस बार हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे सबूत मिटाने के लिए जो हमने चोरी किया है। तो उस वजह से हम गोइंग टू जेल, नहीं मैं जेल पे नहीं जा रहा हूँ, ये दिखा रहे ऐसा। तो 102 नंबर के घर पे जाके हमको थोड़ी बहुत चीज़ों का ना तोड़फोड़ करना है, और उसके बदले में हमको कोई $300 या $100 ऐसा, ऑल ओवर $400 मिलने वाले हैं जिससे हम लोग अपना लेवल अप कर सकते हैं। भाई गेम तो बहुत तगड़ी है ये। इस वीडियो पे अगर 60,000 लाइक हो गए और 10,000 कमेंट हो गए तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। गाड़ी पार्क करने के लिए तो यहाँ भी जगह है, यहाँ रख देते हैं। मेरे को 102 नंबर में ही जाना है ना। हाँ गाड़ी रख देता हूँ मैं यहाँ पे, इतना कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। आ जाओ, लाइट ऑन करते हैं। रात के बज चुके हैं 8 आई थिंक। तो बाकी मेरे को ये 24 घंटे वाली घड़ी इतनी समझ भी नहीं आती है। इसको करते हैं ओपन। इसको ओपन करने के लिए मेरे को चाहिए होगा क्राउ बार। दरवाज़ा ओपन किया। भाई अभी ये ना घर छोड़ के यहाँ के मालिक वगैरह जा चुके हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम यहाँ पर चोरी करने के लिए आए ना आए। कोई भी पुलिस को कॉल करने वाला है नहीं। इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, और भी चीज़ें तोड़नी है। मिशन कंप्लीट, क्या बात कर रहे हो, मैं तो चीज़ें तोड़ने के लिए आया, तुम बोल रहे हो मिशन कंप्लीट हो गया। अच्छा ये चेयर को तोड़ना है क्या, ये ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसको नहीं तोड़ेंगे। और आई थिंक इसको तोड़ ही देते हैं, बोल ही रहे हैं तो तोड़ दे। ओए भाई ये क्या हुआ, पुलिस वाले आ रहे हैं भाई साहब अभी तो। किसी ने फोन कर दिया है भाई। अरे कैमरे के अंदर हम दिख गए थे, इसमें छिपना है क्या, डम्पस्टर बोला तो था उसने। अच्छा समझा, मैं समझा क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जो ये रेड कलर का लाइट तुम्हें दिख रहा है वो कैमरे की लाइट है, मतलब अगर वो रेड कैमरे मतलब वो रेड लाइट के अंदर हम आ गए तो मतलब ऑटोमेटिक पुलिस को कॉल हो जाएगा और पुलिस हमें पकड़ने के लिए आ जाएगी। अरे भाई साहब इसने देखा नहीं, माँ कसम हमारे पास से गुजर गया भाई, ये तो बहुत तगड़ी चीज है, मजा आ गया। अभी जैसे ही एक स्टार जाएगा पुलिस का मैं बाहर निकलूंगा। ये देखो पुलिस वाला वहां पे दिख रहा है। अरे मामे मैं इधर बैठा हूँ, इधर देख ले, इधर हूँ मैं इधर। भाई ये चीज़ बढ़िया काम करती है। बस अभी मेरे को कभी भी कैमरे के अंदर नहीं आना है, अगर मैं कैमरे के अंदर आ गया तो लंका लगेगी, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अभी ये दरवाज़ा मेरे को तोड़ना है, मतलब यहाँ पे तोड़ के बाहर निकलना है, और उसके बाद क्या करना है वो हमें प्राइवेट नंबर से कॉल आएगा और वो भाई साहब बताएंगे। पुलिस जा चुका है, प्राइवेट नंबर में से पुल भी आ चुका है। समझ गया, समझ गया। हमें अभी लॉक पिकिंग स्किल सीखनी है और उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा स्किल में। और लॉक पिकिंग स्किल, हाँ ये रहा, ये वाला स्किल हमें सीखना है। तो सीख गए हम लोग लॉक पिकिंग का भी स्किल। और कॉल वापस आया। Good brother, take out your phone and order a nice basic lock picking tool. You can buy it at your PC too, but it'd be a waste of time to drive there. समझ गया, हमें अपना मोबाइल ओपन करना है और मोबाइल से खरीदना है क्यूक बाई से लॉक पिकिंग टूल। हाँ बेसिक लॉक पिकिंग टूल जो $70 का है ना उसे ही खरीदना है, तो इसे मैंने खरीद लिया। वापस कॉल आया है। So you have the tool. You can practice on a lock in 102. नहीं करनी है। Practice is always good. लॉक पिकिंग वाली चीजें। 103 and steal the drone. Oh yeah. So you can't miss it. Just make sure to check your journal and see when the guy is out. भाई यहाँ पर एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ, हम लोग अभी चेक करना चाहते हैं, मतलब अगर हमको लॉक पिकिंग टूल यूज करना नहीं आता है तो 102 नंबर जो घर एकदम खाली है वहाँ पे जाके यूज करना सीख सकते हैं। बट अगर नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, मैंने पहले भी लॉक पिकिंग टूल से यूज़ किया हुआ है बाकी गेम में भी, तो मेरे को पता है कैसे काम करता है। तो अभी मैं 103 नंबर वाले घर में सीधा घुसने वाला हूँ। अभी सायरन नहीं बजेगा, हम लोग आराम से इसका खिड़की मतलब ये जो दरवाज़ा है उसको तोड़ेंगे और अंदर जाएंगे। तो लेट्स गो। लॉक पिकिंग की स्किल की वजह से हमें ये लोग पकड़ नहीं पाएंगे, इसको यूज़ करने के लिए मेरे ख्याल से यही करना पड़ेगा। हाँ ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया दरवाज़ा ओपन। लाइट ऑन करने दो भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसको ओपन करता है भाई, साउंड हुआ, वो सोया हुआ है। देखो उसका रूटीन क्या है वो चेक करना पड़ेगा। अभी कितने बजे तक सोएगा, ये 2 बजे तक रात के सोने वाला है। अभी मेरे पास काफ़ी कम टाइम है, फटाफट से काम करना पड़ेगा। अरे यार हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, अरे कैसे कैसे नहीं हो रहा, ये लोग थोड़ा मुश्किल है। मे बी ऐसे ऐसे ऐसे, यार हो जाना चाहिए था। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये लो आराम से अंदर आते हैं।
और ड्रोन जो चोरी करना है उसको चोरी करने से पहले ये भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं। और भाई अभी एक बजने वाले रात के, ये चीज़ को भी उठा लेते हैं। और कोई चीज़ है क्या उठाने जैसे? इसको चेक कर लेते हैं, नहीं इधर कुछ भी नहीं है, इसे भी उठा लेते हैं। ड्रोन कहाँ पे है भाई? इसने ड्रोन कहाँ पे रखा है? ड्रोन किधर है भाई? ड्रोन किधर है? देख लेते हैं, ले लेते हैं, मिक्सर भी ले लेते हैं। और भाई अभी 2 बजे उठने वाला है और मेरे को ड्रोन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अब करूँ तो करूँ क्या? अच्छा ये क्या है भाई? नहीं 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 नहीं, पावर स्विच वगैरह नहीं छेड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे सोया हुआ है। दरवाजा ओपन करूँ क्या? ये देखो सोया हुआ है भाई, मस्त सो रहा है ये तो भाई। इसने 2 बजे का अलार्म लगाया हुआ होगा आई थिंक। मेरे को ना ये अलार्म उठा लेना चाहिए, ताकि अलार्म ही नहीं बजेगा तो इसको पता कैसे लगेगा। अरे ये रहा ड्रोन, ड्रोन हमें मिल चुका है, फोन भी आ चुका है। You got it? Cool. You need to upgrade it so it can disable cameras. There's a camera at the entrance to 104. Sell some loot and check out drone tech on your computer. Take your time. चलो 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 निकल लेते अभी यहाँ से। और अभी हमने जो ड्रोन चोरी किया है ना, इस ड्रोन का यूज करने वाले हम लोग 104 नंबर वाले घर में चोरी करने के लिए। हम लोगों को यहाँ से सिर्फ ड्रोन ही चोरी करना था, क्योंकि हमारे एक बड़े प्लान के लिए हमें चोरी, मतलब जो बड़ा चोरी करने वाले हैं उसमें ड्रोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमने ड्रोन चोरी किया है और अभी हम लोग जाने वाले हैं 104 नंबर पर चोरी करने के लिए। बट उससे पहले हमें ड्रोन को अपग्रेड करना पड़ेगा, कैमरा डिसेबल मॉड्यूल खरीद के। तो हमें उसके लिए हाइड आउट पर जाना पड़ेगा और कंप्यूटर यूज़ करना पड़ेगा ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए। अब जैसे ही वो भाई जागेगा ना, सुबह में उठ के देखेगा कि अरे रे ड्रोन तो चोरी हो गया, साथ में पैसे वगैरह भी रखे थे वो सब चोरी हो गया क्या रातों रात? खतरनाक चोरी करी है भाई, मतलब अलग लेवल पर चोरी करी है। ये चोरी के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं चोर बनता हूँ तो काफ़ी अच्छा चोर बन सकता हूँ, मतलब टैलेंट तो है चोरी करने का। अभी वापस से बत्ती ऑन करने दो, लाइट ऑन करने दो। ये है हमारा हाइड आउट और इस पर हम लोग कैमरा यूज़ करने वाले, कैमरा क्या वो कंप्यूटर यूज़ करने वाले हैं भाई। खतरनाक गेम है, मतलब कुछ अलग ही लेवल पे गेम है। ड्रोन टेक आई थिंक इसको ही हमें अपग्रेड करना है, फ्लाई बाय लाइट। इसको अपग्रेड करने के लिए शो अपग्रेड्स और अलो यू टू डिसेबल वन मोर कैमरा। भाई कैमरा तो हमें करना है, $300 का है ना, खरीदने दो मेरे को। और उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, मूव स्पीड वगैरह सब, ये सब काम का नहीं है भाई, ये सब को हटाओ। अभी वापस से कॉल आया है, समझ गया, समझा। अच्छा तो जैसे मैंने पहले भी तुम्हें बोला था, रोप टिप्स डार्क वेब की एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हम लोग सभी घर की डिटेल निकाल सकते हैं। अगर हमको खरीदना है तो $15 का आएगा एक एक डिटेल, हम जितने भी डिटेल चाहे उतने खरीद सकते हैं। और उसके अलावा हमको 104 का लोकल जंक यार्ड वाली डिटेल खरीदनी है और वो तो फ्री में है, तो ये सभी डिटेल बाय कर लेते हैं। साइड विंडो इज ओपन, मतलब साइड का विंडो ओपन है। और टेनेट रूटीन भी हम खरीद लेते हैं, टेनेट मतलब वहाँ पे जो गार्ड वगैरह रहेगा उसका रूटीन भी हमें पता लग चुका है। लूट कहाँ कहाँ पे वो भी हमें पता लग चुका है। और समझ गया, 2 कैमरा है, एक तो पहले गेट पे है, जाने वाले गेट पे है, और एक कैमरा बैक गेट पे है। बढ़िया भाई, अभी क्या करना है मेरे को? समझ गया। okay. तो अभी हमें जाना है मेडिसन स्टेट पे, और जो जंकयार्ड है 104 नंबर का वहाँ पे जाके लूट करनी है एक दो चीज़ों की, जो हमें वहाँ पे जाके वो भाई बताया कि क्या चोरी करना है, अभी तक हमें भी पता नहीं है। तो हम जैसे ही वहाँ पे जाएंगे वापस से ये प्राइवेट नंबर से कॉल करेगा और हमें सब चीज़ें बताएगा। बट हमें सबसे पहले काम करना है 104 नंबर पे जाके, जो ड्रोन हमने खरीदा है ना उस ड्रोन से, अरे यार गाड़ी ठोक दी, उस ड्रोन से वहाँ का जो कैमरा होगा, कैमरा लगा हुआ, उसको डिसेबल करना है। 103 नंबर का तो घर यहाँ पे ही है, 104 किधर है? अच्छा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इधर से जाना है हमें ये वाली साइड पे, और सामने रहा 104 नंबर का घर, और ये रहा कैमरा। देखो बाहर की साइड ये वाला जो कैमरा है ना उसको डिसेबल करना है, और उसके बाद हमें कॉल आएगा भाई का। यहाँ रख देते हम लोग गाड़ी। भाई देखो गाड़ी ज़्यादा पार्क हो सकती है, बट हम जहाँ पे आएंगे वहाँ पे एक ही गाड़ी पार्क होगी और वो है हमारी।
टाइम हम लोग कर देते, सुबह तक हम लोग सो जाते, सुबह के 8 बजे तक हम लोग सोने वाले हैं और उसके बाद हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सुबह हो चुकी है, अभी आ जाओ बाहर निकलते हैं। इसको कर देते हैं, डोर को कर देते हैं बंद, और ड्रोन से एक कैमरा कर देते हैं डिसेबल। भैया जगह को मेरे को ना एक बार बढ़िया से चेक करना पड़ेगा, ड्रोन उड़ाते हैं। तो हम लोग काफ़ी क्लोज आ चुके हैं कैमरे के, और कैमरा अब हो गया डीएक्टिवेट। आसान था भाई ये कैमरा डीएक्टिवेट करना, कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे एक मिनट यार, कॉल आ रहा है मेरे को। अच्छा There's a cardboard box with my stuff inside. समझ गया। समझा। तो अभी हमारा जो प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा है ना, वो मालिक का कहना ऐसा है कि एक कार्डबोर्ड बक्सा है जो अंदर फंसा हुआ है, कोई उसे भेजने वाला था, एक चोर दूसरा चोर भेजने वाला था उसको, बट उसने भेजा नहीं है, तो तुम ही मतलब वो कर दो सेटिंग ऐसा। भाई क्या क्या है यहाँ, यहाँ कहीं पे देखना पड़ेगा मेरे को। सिग्नल आने लगा भाई, ये डंपस्टर पे हम लोग छिप सकते हैं। जगह मैंने स्कैन कर लिया बढ़िया तरीके से, और जो काम करने वाला था वो भी जा रहा है बाहर। भाई गया क्या वो? मे बी हाँ, वो गया ईजी। यहाँ पे जो कारीगर काम कर रहा था वो बाहर गया हुआ है। आराम से हम अभी ये लोग को तोड़ेंगे और अंदर जाएंगे। इसे हो जा भाई यार, हो गया। अरे यार एक तो बहुत मुश्किल है काम। अरे भगवान श्री कृष्ण, क्या हो रहा है मेरे से? अरे यार लपड़ा हो गया, लपड़ा हो गया, पुलिस आ गई। अरे हाँ मेरे पास एक, अरे गया मैं गया भाई। अरे बैठना, अंदर बैठना, अंदर बैठना नूबड़े। गया मैं, गया मैं, पकड़ा गया मैं, गया भाई। मत मार गोली, मत मार भाई। भाई गलती गेम है ये वाला। अभी मेरे को छिपने के लिए हाइड आउट पे जाना पड़ेगा। मे भी हाइड आउट इज़ द बेस्ट भाई, हाइड आउट पे जाके सो जाएंगे हम लोग, ताकि पुलिस वाला पकड़ ना पाए। गलती है भाई, ये तो पंगे हो गए थे। अच्छा सामने रास्ता ख़त्म हो रहा है ना यहाँ पे, ये बात। चलो हाइड आउट एक नंबर। अभी पुलिस हमारी गायब हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग वापस से 104 नंबर पे जाके जो काम करना है वो करेंगे। भाई मतलब चलते गाड़ी से कोई दूसरा गाड़ी वाला गुजरा, उसने मेरे को देखा कि अच्छा ये तो लोग तोड़ रहा है, और उसने पुलिस को कॉल कर दिया। जबकि उसको ये सोचना चाहिए कि भाई कुछ हुआ होगा, मतलब ये उसी का घर होगा या उसी का जंकयार्ड होगा, उसका लोग खराब हो गया होगा इसलिए वो खुद तोड़ रहा है, मालिक ही तोड़ रहा होगा। बट नहीं, हम करेंगे पुलिस को कॉल। नॉर्मल लोग भी भाई, हम चोर लोगों को ना चोरी करने में भी मुश्किल ही हो रही है अलग लेवल पे भाई। क्या बोले देश में भाई, सब मुश्किल है यार। अभी वैसे मैं अमेरिका में हूँ इस गेम में अभी। अरे यार ये गाड़ी का ब्रेक सिस्टम वगैरह खराब है लग रहा है। किधर गया 104 नंबर? यहाँ से ही आएगा भाइयों। वैसे इस गेम का मोबाइल वर्जन अवेलेबल होगा, मोबाइल के लिए गेम अवेलेबल होगी, तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, एक बार चेकआउट कर लेना। अगर अवेलेबल है तो तुम लोग भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से मेरे को ना कैमरा डिसेबल करना पड़ेगा। गधा मजदूरी इसको बोलते हैं भाई, और किसी को गधा मजदूरी नहीं बोलते हैं। एक काम को दो बार करो उसको बोलते हैं गधा मजदूरी। अभी ऊपर आया, कैमरा कर दिया डीएक्टिवेट, ड्रोन नीचे लिया, और हमको ना अंदर वाले भाई साहब के कोई इन्फॉर्मेशन तो दी गई थी। अच्छा भाई मैंने लास्ट टाइम ब्रेक तो कर दिया था, भाई ब्रेक तो मैंने कर दिया था इसको, तो वापस से करना पड़ेगा क्या? इस बार इजीली हो गया भाई, कोई बड़ी बात ही नहीं हुई ना। इसको वापस से बंद नहीं करना है अभी। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो काम करने वाला है ना वो इस पर अभी है नहीं, तो फटाफट से हम लोग चोरी करके निकल सकते हैं। आ जाओ, हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी। अभी जाते हम लोग इधर पे, और ये मिल गया मेरे को रिसीवर। भाई मेरा बैग पे फूल, इस वजह से मैं रिसीवर चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। ये वाली चीज़ को मेरे को लेके जाना है, फटाफट से इसको बाहर फेंकना पड़ेगा भाई। वो कारीगर वापस आया ना, उससे पहले ही मेरे को ये काम कर देना पड़ेगा, वरना लफड़ा होगा। एक और चीज़ मेरे को उठानी है, और ये वाली चीज़ है मे भी, क्योंकि वहीं पर हो रहा था डायमंड वाला ऑप्शन, डायमंड दिखाई देता है। और भी एक चीज़ मेरे को उठानी है, और वो है यहाँ पे रखी हुई ये वाली चीज़। भाई इससे क्या होगा? हेडफोन इन मेटल कैबिनेट, इसको मैं कैसे निकालूँगा?
अच्छा, इसके लिए मेरे को लोक पिक जो आती ना वो लेवल 2 की चाहिए, और मेरी अभी तक लेवल 1 की ही है, तो हम लोग उसको बाद में आके चोरी करेंगे। अभी ये वाले सामान को लेके हम लोग जाते। अरे वो आ भी गया है वापिस, हरामखोर वापिस आ गया वो। गजब भाई, गजब ही नशे है ये लो। अरे यार लफड़ा हो गया। अरे पकड़ लिया भाई, भाई 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 लफड़ा हो चुका है। बस अभी वो पुलिस को कॉल ना करे। भाई इतना जल्दी इधर कैसे आ गया, बहुत तेजी से भागा है। तो चलो गया ये, बढ़िया हो भाई मैं कैमरे से बच गया ना, वरना कैमरे में आ जाता वैसे ही लंका लग जाती। पेरेंट फाउंड डोर ओपन, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये कितना इधर उधर देख लेगा, इसको मैं नहीं दिखने वाला हूँ। मैं किसी जगह पे छिपा हूँ जहाँ पे मेरे को ढूंढना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। चलो अभी मैं वैसे बाहर निकल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस एक जगह पे रुके एक बार, उसके बाद मैं बाहर निकलूँगा। भाई रुक भी जाए यार, कितना ढूंढेगा अभी, कुछ ज़्यादा ही ढूंढ रहा है। तो चलो भाई रुक गया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अंदर गया और ये बैठ गया। अभी मैं अपना काम कर सकता हूँ। मे बी मेरे को ना साइलेंटली ये काम करना पड़ेगा, मैं इतना फटाफट से काम नहीं कर सकता हूँ वरना लफड़े हो जाएंगे। ये मेरा अभी तक बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको उठाने वाला हूँ पीसी यूनिट को, और इसको लेके जाके अपनी कार पे रख देता हूँ। फटाफट करना पड़ेगा भाई, उसको साउंड नहीं जाना चाहिए वरना लंका लगेगी। चलो अभी तो जा सकते हम लोग। भाई एक तो ना ये पीसी का जो ये सीपीयू हमने हाथ में उठाया ना, उस वजह से ये तेज़ी से भाग भी नहीं रहा है, बहुत स्लो हो गया अपना कैरेक्टर। इसको रख देते हैं ऐसे करके यहाँ पे ऐसे। अरे रख भी दे यार मामे, क्या कर रहा है ये। अच्छा ये अब सही है। अभी जो एक दूसरा कार्डबोर्ड बॉक्स हमें उठाना था ना, वो भी उठा लेते, अभी भी वो बैठा हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ईजी पीजी पीछे से जाएंगे और जो डब्बा है उसको लेके आएंगे। अभी टाइम है उसको वहाँ से उठ के दूसरी जगह पे जाने के लिए। चलो अब वो वहाँ पे जाएगा और हम इसको उठा के निकल लेते हैं। भाई वो जो लोक पिक लेवल 2 का होगा ना, उसके बाद आके वो वाली चीज़ को हम लोग चोरी करेंगे। अभी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये चीज़ लेके निकल लेना है। चलो बढ़िया, अभी इसको रख देते हैं हम लोग वापस से अपने। ओई किसने देख लिया मेरे को लेके जाते हुए। बस भाई पुलिस को मत कॉल कर दियो, यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा ही डेंजर है, मतलब अगर थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगा डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर देते आराम को। ये रख दिया, अभी हमें जाना है ये सभी सामान को लेके। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चीज़ें ना हम लोग बेच देते हैं 115 नंबर की शॉप पे जाके, ताकि हमारा बैग जो है ना वो थोड़ा खाली हो जाए, वरना फिर लफड़ा हो जाता है। बैग में जो भी हमारे पास फालतू की चीज़ें हैं ना वो सभी हम लोग बेच देंगे, और जो भी हम लोग डार्क वेब पे बेच सकते हैं वैसी चीज़ें उसको हम लोग रखेंगे। तो डार्क वेब पे बेचने वाली चीज़ें कौन कौन से मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राइवेट नंबर से कॉल आया है। हाँ समझ गया, समझ गया। What's inside must remain a mystery. Send it to me via Black Bay once you have it. डार्क वेब से हमें वो बक्सा उसको भेजना है। इसको हम लोग बेचेंगे ये सब चीजें, जैसे अलार्म क्लॉक है उसे हम लोग नहीं बेच सकते हैं डार्क वेब पे। जिसके पास में ग्रीन वाली चीज है ना वॉन्टेड ऑन ब्लैक पे, तो ये ग्रीन वाला जिसके पास भी लेटर रहेगा उसको मैं ब्लैक बे से बेच सकता हूँ, बाकी नहीं बेच सकता हूँ। तो अलार्म क्लॉक इसको हम लोग सेल करेंगे, और इसे भी हम सेल करेंगे। ये सभी चीज़ें हम लोग ब्लैक बे पे बेचेंगे ताकि हमको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो लेट्स गो, अभी मेरे पास ये तो है ना, हाँ दोनों चीज़ें हैं। अभी मेरे को जाने दो हाइड आउट पे। ये बात तो आ चुके हैं हम लोग अपने हाइड आउट पे, मतलब अब तक तो नहीं आया है, मैंने क्लिक किया है, आई होप अभी हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। भाई अभी तक हम लोग पुलिस के हाथों से पकड़े नहीं गए हैं, तो ये बात बहुत बड़ी है। अगर मैं रियल लाइफ में चोर बनना चाहूँगा ना, तो मैं ऐसा ही चोर बनूंगा जो कभी भी पुलिस के हाथों से ना पकड़ा जाए। अभी यहाँ पे आना है। अच्छा डायमंड यहाँ पे दिख ही रहा है वैसे अभी। अरे हाँ हमको बक्सा लेके आना है ना, बक्सा ओपन करना है। उसने बोला था कॉल करके कि जो बक्सा है ना उसके अंदर एक ब्लैक कलर का सामान रहेगा, उसको तुम्हें मेरे को कुरियर करके भेजना है ब्लैक बे से, बट उसको ओपन करके तुम्हें नहीं देखना है वो ब्लैक कलर का बक्सा, उसको तुम सीक्रेट ही रहने दो ऐसा। इसको कर देते यहाँ पे ड्रॉप आइटम, हो नहीं रही है ड्रॉप, तो करना चाहता हूँ।
ये फेंक दूँ क्या? हाँ अभी सही है। ये लेते हैं छुरी और इसको कर देते हैं कट। ये साइड कट हो चुका है, ये साइड भी कट हो चुका है, अभी ये साइड भी कट कर देते हैं। बढ़िया। तो अभी ये जो चीज़ है ना उसको सीधा हमें भेज देना है, भेजना है, बेच नहीं देना है, भेजना है ब्लैक बे से। भाई ये कौन है जो हमको प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहा है, मेरे को वो जानना है सबसे पहले तो, कि भाई बहुत डेंजर आदमी है, ब्लैक बे में दिख नहीं रहा है भाई। इसमें कहाँ पे है, मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम में है क्या? इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी वो चीज़ नहीं है, मिसिंग आइटम इसमें भी नहीं है। कैसे भेजूँगा मैं उसको? ये रहा ब्लैक पैकेज, ये $250 लगेंगे हमारे, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमने भेज दिया। या तो मेरे को मिले या तो लगे उस भेजने के, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। अरे कोई बात नहीं। I need you to plant a certain package at 110 in the bedroom. Be careful though, you can't be seen by the guy. Okay. हमें ना कुछ पैकेज रख के आने हैं 110 नंबर के घर में, मतलब 110 नंबर पे कोई कपल रह रहा है, तो उसके बेडरूम में हमें कुछ सामान रख के आना है। अब वो सामान क्या है वो मेरे को भी आइडिया नहीं है, जब हम लोग जाएंगे तब हमें पता लगेगा। बट हाँ मैंने एक चीज़ गलत कर दी है, जो भी चीज़ें मेरे पास थी ब्लैक बे पे बेचने के लिए वो सभी चीज़ों को मैंने अब तक ब्लैक बे पे नहीं बेचा है, और उस वजह से मेरा जो ये होगा ना वो फुल होगा बैकपैक। तो मैं एक बार जाके वापस से सभी चीज़ें हाइड आउट पे बेच के आता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग सभी चीज़ें वो बेडरूम में रखने के लिए जाएगी 110 नंबर वाले घर पे। बट पहले ये वाला काम कर लेते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना कोई बहुत बड़ी रोबरी प्लान कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी चोरी प्लान कर रहे हैं। वो चोरी हमको नहीं पता हम क्या प्लान कर रहे हैं, वो गेम वालों को ही पता है। तो धीरे धीरे हमको पता लगेगा कि हम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की चोरी करने के लिए जाने वाले हैं। बट वो धीरे धीरे पता लगेगा, अभी तो नहीं लगेगा। ये मिसिंग आइटम भाई, जो भी चीज़ें मेरे पास है ना वो एक बार सेंड का ऑप्शन आ जाए वैल्यूबल में। भाई ये देखो ब्लैक बे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं इस पे दे सकूँ, मेरे ख्याल से उस स्टोर पे जाके हमें बेचना पड़ेगा। और ये बोल रहे थे कि तुम ब्लैक बे में सब चीज़ें बेच सकते हो। डार्क बैंक क्या है? अच्छा मेरे पास डिपॉजिट करने हैं मेरे को डार्क बैंक पे पैसे, तो मैं डिपॉजिट भी कर सकता हूँ। और स्टील गियर भाई ये सब चीज़ें बेकार है, किसी काम के नहीं है अभी के लिए, बाद में जाके काम का होगा। थीप कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, बट ये सब चीज़ें हम बाद में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तो एक जो वो काम करना है ना वही करते हैं। और सामान वगैरह हम बाद में बेच के आएंगे। आ जाओ फटाफट से 110 नंबर वाले घर पर जाते हैं और एविडेंस प्लांट करके आते हैं। आई थिंक उन लोगों ने मे बी मर्डर वगैरह किसी का किया होगा या नहीं भी किया होगा, बट हमें डार्क वेब से ये जानकारी मिली है कि उसके घर पर जाके हमें कुछ पैकेजिंग रख के आने हैं, ताकि होगा क्या कि अगर कोई क्रिमिनल रियल वाला होगा ना वो इनके ऊपर वो डाल देगा मर्डर केस, और उसके जो सबूत आते हैं ना उसके घर पे मिलेगी, जो कि हम लोग जाने वाले हैं प्लांट करने के लिए। ये रहा 110 नंबर का घर, यहाँ पे हमें जाना है। 110 क्या? हाँ 110 नंबर पे ही जाना है, इस वाले घर पे। अभी पार्किंग किधर है? अच्छा पार्किंग इधर की साइड पे है, रास्ते के बीच में हम लोग गाड़ी नहीं रख सकते हैं वरना वापस कोई पुलिस को बुला लेगा। यहाँ रख देते हैं गाड़ी को। अभी रात के वैसे ना काफ़ी बज चुके हैं तो एक बार सो जाते हैं, और कल सुबह में 7 बजे बाकी का काम करेंगे, मेरे ख्याल से 8 बजे करेंगे, तब तक सो जाते हैं। तो बस अभी सुबह के 8 बजने ही वाले हैं, और अभी जाते हैं हम लोग बाहर निकलते हैं। बाकी यहाँ पे 110 नंबर वाले घर पे जाना है हमें। अगर इन लोगों ने हमने गलत केस में फंसा दिया ना तो लफड़ा होगा। हम लोग चोरी करने के लिए तो नहीं जा रहे, हम लोग बहुत मतलब सही वाला काम करने के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं। अरे ये तो चोरी वाला ही सीन है, ये ओपन कैसे नहीं होगा ना? तो ये हो गया करते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, वो डेंजर लोग है, कोई मेरे को पकड़ लेगा ऐसे तो, पक्का मेरे को कोई ना कोई पकड़ लेगा आज। इधर कोई रह तो नहीं रहा है ना? रह रहा होगा वैसे, बट हमें क्या फर्क पड़ता है। ये देखो नीचे कुछ है, पैसे रखे हुए हैं, कोई काम करने वाला तो नहीं है। अरे ऊपर आ गया, विसल का साउंड आ रहा है, इसे उठा लेते हैं। भाई थोड़ी देर नीचे मत आना, यहाँ पे ये वाला बक्सा लेना है मे बी मेरे को। नहीं यार ये वाला बक्सा नहीं है भाई, वो स्टार वाला ऊपर आ रहा है, हम लोग नीचे गलत आ गए हैं। भाई उसको पता लग चुका है कि कोई उसके घर में आया है, मेरे को दरवाजा बंद करके आना चाहिए था। ओके ओके ओके, लफड़ा होगा, देख ली। अरे मत देखना भाई, इधर मत देखना,
भाई प्लीज मत देखना इधर, चलो भाई क्या बेवकूफ इंसान है। आराम से हम लोग ऊपर जाएंगे, इसको ना मेरे को मार्क कर देना चाहिए था, तो बेटर रहता। अंदर जाते हैं यहाँ से, ये टॉयलेट है, यहाँ पे कुछ चोरी करने जैसा है क्या? इसको बंद कर देते हैं वापस से। ये मिल गया पैसे कुछ, अभी कुछ है क्या चोरी करने जैसा इधर पे? नहीं भाई ऐसा तो कुछ खास है नहीं। राजा कर देते हैं ओपन इसे। भाई इसका मालिक किधर है? यहाँ पे हमको उठाना है ना सामान। इजी, मिशन कंप्लीट। प्राइवेट नंबर से फोन भी आ चुका है। I need a photo of the kitchen in 105. हमको ना किचन का एक फोटो भी खींचना है। एक मिनट है, किचन किधर है? ये सब में क्या क्या सामान है वो देखने दो। ये मिल गया थोड़े और पैसे। ये सब चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए सर, बताओ तो। ये सब उठाने जैसा है क्या? यहाँ से ये वाली चीज़ उठा लेते हैं। भाई किचन किधर है इसका? अच्छा ये रहा मालिक, इसको मैंने मार्क कर दिया है। ये पीछे ना देखे थोड़ी देर तो मैं फोटो खींच लूँगा। भाई थोड़ी देर पीछे मत देखना। अभी जो है मैंने फोटो खींचा, अरे मैंने फोटो खींचा ना, चलो यूज। अभी निकल लेता हूँ मैं यहाँ से, वो देखे उससे पहले। चलो अभी जो ये फोटो है मेरे को भेजना कैसे है? अभी हमें जाना है 105 नंबर के घर में फोटोग्राफी करने के लिए किचन की, और मैंने गलती से 110 नंबर वाले घर में ही फोटोग्राफी कर ली जहाँ पे हम थे, 115 वाले घर में, या नहीं 110 वाले घर में। तो हमें 105 में फोटोग्राफी करनी है, तो लेट्स गो। हम लोग 105 नंबर के घर में फोटोग्राफी के लिए जाने वाले हैं, किचन का फोटोग्राफी लेने के लिए, ताकि हम लोग डार्क वेब पे उसको भेज, मतलब बेच सके, और बाकी क्रिमिनल को मतलब बेच के पैसे कमा सके। मे बी ऐसा कुछ ही होगा। भाई 105 नंबर किधर है? 105 नंबर आई थिंक इधर ही होना चाहिए। 103, 104, ये रहा 105। भाई हम लोगों ने गाड़ी ठोक दिया गलती से, यहाँ कर देते हैं वापस से पार्क गाड़ी को। और मेरे को ना एक चीज़ देखने दो, क्या मेरा लेवल अपग्रेड हुआ? मतलब अभी स्किल अपग्रेड कर सकता हूँ क्या लॉक पिकिंग का? नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सामान मेरे को बेचना पड़ेगा, बट थोड़े टाइम में हो जाएगा। ये है 105 नंबर का घर। अभी यहाँ पे हम लोगों को किचन का वो करना है ना फोटो। यार लॉक पिकिंग नहीं है। चाहिए भाई साहब क्या बैठे हैं? ओए ये क्या हो गया? मतलब मेरे को लगा कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ये तो लफड़ा हो गया। ये करना क्या चाहता है? अच्छा कोई ना भाई, कर ले तेरे को जो कर। अरे यार इसने पुलिस को बुला लिया। अभी मेरे को छिपने के लिए रास्ता ढूंढने दो, इधर कहीं पे छिपने की जगह है क्या? मे बी होनी चाहिए छिपने की जगह। यार लॉक पिकिंग नहीं है मेरे पास, लॉक पिकिंग नहीं है यार। मैं इतने गलत मिशन पे नहीं मरना चाहता हूँ। वो क्या मार के गया था यार, वो क्या मार के गया मेरे को लिटरली नहीं समझा। वो क्या था वो? मेरे को लगा किचन से फोटो लेने के लिए जाना है, वो टीममेट होगा मेरे ख्याल से। छी भाई जेल में जाते हैं। चलो भाई वैसे मेरे को वापस से रीमिशन नहीं करना है, तो जेल इज द बेस्ट। जेल पे जाके हम लोग देखते क्या करना है। जेल पे लोग हमें क्या करें, टॉर्चर करेंगे क्या? अच्छा हम लोग मिशन बाद में 105 नंबर वाले घर का करेंगे। ये क्या है? हे आई आई बीन देयर टू। ओके मतलब कोई पहले हमारे पहले भी यहाँ पे था, उसने क्राउबार रखा हुआ है। मेक योर लाइफ इजियर फेलो क्रिमिनल दोज। ओके 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 ओके, तो हमारे लिए यही कहीं पे ना, ये रहा देखो ये बात। भाई हमको ना यहाँ पे ये मिल चुका है जेल के अंदर, जेल के अंदर क्राउबार, जिससे हम लोग जेल को ब्रेक करके बाहर निकल सके। बाकी हमारी जो भी सामान हमारे पास था वो सभी तो ले लिया गया है। ये कर दिया हमने दरवाज़ा ओपन। भाई जेल से भागना बहुत ही मुश्किल ही नामुमकिन काम है, बट हम करेंगे। ये कैमरा एक बार मार्क कर लेते हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे गया तो पुलिस वाले आके मेरे को वापस में जेल से जेल में डाल देंगे। भाई चोर बनना बहुत मुश्किल काम है, हलवा नहीं है। फ्लैश लाइट ऑन रखते हैं, फ्लैश लाइट। ये कंप्यूटर चोरी कर लो क्या? मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं है। ये पैसे उठा लेते हैं, $30।
फालतू चीजें नहीं उठाएगी, ये उठा लेते भाई प्रोजेक्टर। अरे बैकपैक फुल है, मेरे को ना बैकपैक खाली कर देना चाहिए था बट किया नहीं। ये क्या है? हिडन आइटम फाउंड, $100। क्या बात है भाई, ऊपर कोई होगा क्या? दिखना पड़ेगा, अगर कोई ऊपर है तो लफड़ा होगा। नहीं कोई भी नहीं है भाई। मेरे को इधर से निकलना कैसे है जेल से? बाहर कैसे जाऊंगा जेल से? सामने कोई बैठा हुआ है भाई ये वाला। अच्छा एक वहां पे है, ये अभी टॉयलेट में ही आने वाला है भाई, वो देखे उससे पहले मेरे को निकलना पड़ेगा इधर से। अभी मेरे को ऊपर जाके एक बार चेक करने दो कोई है कि नहीं है। इजी भाई इजी, लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे मेरे को कोई लग नहीं रहा है, ये वाला दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है? इजी आई मेक उठा लूँ क्या? अरे बैग पैक फूल है वरना मैं आई मेक ले लेता। ये क्या है, इसमें कुछ है कि नहीं है? अच्छा ये छिपने के लिए है मेरे ख्याल से, अगर पुलिस हमारे पीछे भागती है तो हम छिपने के लिए ऊपर आ सकते हैं और कबाट में छिप सकते हैं। हो गया, अभी ये एग्जिट है, उसके अलावा थर्ड फ्लोर पे जाते आ जाओ भाई। अभी तक ना हमें एक ही गार्ड दिखा है और ये झील में टोटल 4 गार्ड है, तुम्हें ऊपर की साइड दिख रहा होगा देखो तो। अभी हमें सिर्फ एक ही गार्ड का पता है, पुलिस स्टेशन एग्जिट की। अच्छा हम लोग यहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर जा सकते हैं और हमें एग्जिट की लेके आना पड़ेगा, तो लेट्स गो। हम लोग एग्जिट की का कुछ जुगाड़ करते हैं। बट ड्रोन उड़ा सकता हूँ क्या? नहीं मैं ड्रोन नहीं उड़ा सकता, मेरे पास है ही नहीं। और ये पुलिस यहाँ पे बैठा हुआ है भाई, बट बाकी के 3 पुलिस कहाँ पे है? भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वो पुलिस वाला वरना लफड़ा करेगा। इतने 16 और ये उठा, ये जा रहा है, लाइट बंद करने दो वरना लफड़ा होगा। अरे यार वो देख लेता मेरे को, दूसरा पुलिस भी मेरे को दिख चुका है। ओके एक नंबर। अभी मेरे को ना ये देखने दो कि ये जहा तो जहा किधर रहा है। ये गया है सामने वाली साइड पे, ये गया है इधर वाली साइड पे। भाई वो दिख नहीं रहा है मेरे को। अच्छा यहाँ क्या है भाई? ये मिल गई पुलिस स्टेशन एग्जिट की, लेट्स गो। हम लोग पुलिस स्टेशन एग्जिट की ले लिया है। भी मगजमारी नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे ही बैठा होगा वो मोटा सा। मेरे को निकलने दो इधर से, फटाफट से थर्ड फ्लोर पे मैं जाऊँगा, वो वापस ना आए। इसी बात पे भाई, जिन जिन ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो यार। इस वीडियो पे अगर 100,000 लाइक हो गए, 60,000 लाइक और 10,000 कमेंट हो गए तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, वरना थोड़ा लेट होगा बट आएगा। ये गेम थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका पार्ट 2 तो लाना पड़ेगा। चलो निकल जाते हैं, जेल से एस्केप कर लिया है, इसी बात पे मतलब मजा आ गया, क्या ही बोलूं। तो हाँ पार्ट 2 के लिए तुम लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, 10,000 कमेंट कर देना, कैसे करना हो तुम्हारे ऊपर है। एक ही बंदा 10 कमेंट कर दो बट कर दो, 10,000 कमेंट और 60,000 लाइक तो इसका पार्ट 2 आएगा। बाकी मिलेगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे पता है? ये फोटोग्राफी जो हमें करनी है ना, फोटोग्राफ किचन का लेना है, 105 नंबर के घर का, उसे ले गए। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में, मतलब तुम देखो पहले हमने छोटे घर से रोबरी स्टार्ट करी थी, उसके बाद थोड़ा बड़ा प्लान हुआ, फिर हम लोग सरकारी जंकयार्ड में भी गए, और अभी आने वाले टाइम में तो मेरे को लगता है बहुत तगड़ी हाइस्ट हम लोग करने वाले, बहुत बड़ी चोरी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तो बहुत गजब होने वाला है मेरे ख्याल से। और जेल ब्रेक भी किया हम लोगों ने, प्रिजन ब्रेक भी किया, तो उसमें भी मज़ा आ गया, प्रिजन से भागने में भी। ऑल ओवर ये गेम बहुत तगड़ी है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाकी एंड्रॉयड के लिए गेम अवेलेबल होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।